कंडीशंस क्या होती हैं। सो लेट अस फोकस अपॉन बेटा रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो बेसिकली बेटा हमारा स्काई में आफ्टर द रेनफॉल, जब स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर सस्पेंडेड रह जाती हैं और वो बेटे टाइनी प्रिज्म्स की तरह एक्ट करती हैं और डिस्पर्शन के बाद वो स्काई में सेवन कलर्स का एक बेटा सिस्टमेटिक पैटर्न डिस्प्ले कर देती हैं। दैट सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ द सेवन कलर्स डिस्प्लेड इन द स्काई दैट वी कॉल एज द रेनबो बेटा। सो रेनबो जो है बेटा, रेनबो इज द सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ द कलर्स, पैटर्न ऑफ द कलर्स सीन इन द स्काई आफ्टर द रेनफॉल बेटा, आफ्टर द रेनफॉल। कंडीशंस कौन कौन सी जरूरी हैं रेनबो फॉर्मेशन के लिए, लेट अस कंसेंट्रेट अपॉन दीज कंडीशंस आल्सो। कंडीशंस क्या हैं? द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन द एटमोस्फियर आफ्टर द रेनफॉल। द ड्रॉपलेट्स of water must remain suspended in the atmosphere after the rainfall. The observer must has his back towards the sun. दूसरी condition है, the observer must has his back towards the sun. पहली बात तो यह है कि रेनफॉल हुआ होना चाहिए, रेनफॉल के बाद छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स पानी के जो हैं एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रह जाने चाहिए और आफ्टर द रेनफॉल सन मस्ट बी प्रेजेंट इन द स्काई और देखने वाला जो पर्सन है उसकी बैक सन की तरफ होनी चाहिए, तभी आपको रेनफॉल जो है उसके बाद रेनबो दिखाई देगा बेटा। अब रेनबो बनता कैसे है, ये दो लाइंस नोट कर लीजिए फिर मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। आई हैव लेस स्पेस ऑन द बोर्ड, एक दो लाइंस हैं जो बेटे ये इनको नोट कर लीजिए फिर मैं आपको रेनबो कैसे बनेगा वो बना के दिखाता हूँ। क्लाउड्स बेटे बैठिए, क्लाउड्स में ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर तो होते हैं बट दीज आर मिक्स विद डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स एंड दीज आर नॉट एज सच इन द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, तो उसकी वजह से वो डिस्पर्शन वगैरह नहीं कर पाते हैं या कोई और फिनोमिना जो है रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो उसमें फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो जो क्लाउड के अंदर जितना भी मैटर बन गया है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, उसमें डस्ट के पार्टिकल जो हैं उसको बेटे ट्रांसल्यूसेंट बना देते हैं, पूरा आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसकी वजह से ये फिनोमिना वहां पे विजिबल नहीं होगा। हाँ जी बेटे, अगर तीन साइड से ऑलरेडी कवर्ड है, चौथी साइड से आप उसको कवर करना चाहते हैं ताकि लाइट एंटर ना करे,
तो वो तो बेटे आप देख लीजिए, ओपेक मटेरियल कोई भी आप ले लो, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, मे बी व्हाइट मे बी ब्लैक, दैट विल नॉट मैटर एट ऑल। ब्लैक कलर गुड अब्सॉर्बर होता है, वो आपके अंदर की लाइट को भी अब्सॉर्ब कर लेगा ना। अगर आप ये चाहते हैं कि रूम में लाइट हो ही ना बिल्कुल, फिर तो आप पूरा इंटीरियर ब्लैक कलर का रखिए, तो वो अगर लिटिल बिट क्रीट्स ऑफ लाइट प्रेजेंट भी होंगी उनको भी अब्सॉर्ब कर लेगा। अगर आप अब्सॉर्प्शन नहीं चाहते हैं तो यू विल हैव टू गो फॉर द अल्टरनेटिव वे। ठीक है बेटा, बैठिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि रेन प्योर कैसे हो गई है। जब रेन के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं, आपके एटमॉस्फेयर में जितना भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इनको एयर करंट्स बार बार ऊपर और नीचे इस तरीके से फ्यू टाइम्स मूव करवाते हैं। और जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, हाइट पर जाके टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और मे बी अगर सॉलिडिफाई नहीं होंगे तो उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम पड़ जाएगा। ऐसे जब फ्रीक्वेंटली वो अप एंड डाउन मूव करेंगे एयर करंट्स की वजह से, तो वो डस्ट को गैदर कर लेते हैं। बिल्कुल जो पहला पहला आपका जो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर गिरेगा उसमें सारे का सारा आपका जो है डस्ट वगैरह दैट विल कम डाउन। उसके बाद जो फ्रीक्वेंट ड्रॉपलेट्स जो हैं दीज विल बी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, बिकॉज आपके एटमोसफियर में अब बिल्कुल बेटे वेपर सी पानी के प्रेजेंट हैं, डस्ट सारा नीचे आ गया है। आप लोगों ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर कई बार रेनफॉल हो जाता है, आपकी सिटी का पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, स्मोग खत्म हो जाता है, एक दो दिन के लिए स्मोग खत्म हो जाता है, और सर्दियों में तो दिसंबर जनवरी में आप कहते हैं कि चलो बारिश थोड़ी सी हो जाए और हमारा जो है ये स्काई क्लियर हो जाए। तो दैट इज द रीजन कि उस वो जब भी बारिश होती है वो जो लो लेवल पे लो हाइट पे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर अलोंग विद द डस्ट पार्टिकल्स है उनको नीचे ले आता है। या आप लोगों ने लास्ट ईयर सुना भी था, न्यूज में भी था कि अपने नेशनल कैपिटल में ड्यू टू द लैक ऑफ द रेन एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉग लेयर उनको आर्टिफिशियली रेन भी करवानी पड़ती है। आर्टिफिशियली रेन करवाने का मतलब है दे मे बी यूजिंग ए वाटर टैंक और उस टैंक से बहुत ही ज्यादा प्रेशर पे पानी को स्प्रे कर देंगे, तो जो लो हाइट पे आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, स्मॉग वगैरह है, दैट विल कम डाउन और एयर जो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। सो उसके बाद अगर कोई पानी के वेपर्स आपके एटमोसफियर में हैं तो दीज विल बी प्योर। और डियर चिल्ड्रन, वो जो प्योर फॉर्म में वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो बड़े छोटे छोटे प्रिजम्स की तरह एक्ट करती हैं, टाइनी प्रिजम्स की तरह, और अगर आपका रे ऑफ लाइट प्रिज्म पे फॉल करेगा तो ऑब्वियसली आप जानते हैं सेवन कलर्स में स्प्लिट कर जाएगा, डिस्पर्शन हो जाएगा लाइट का, बी आई बी जी वाई ओ आर आपके सारे कलर्स बन जाया करते हैं। तो ये कुछ जरूरी कंडीशंस थी, और इसके बाद आइए मैं पानी की ड्रॉपलेट्स को लेकर जो कि एक टाइनी प्रिज्म्स की तरह एक्ट कर रही हैं, कैसे आपका रेनबो बनेगा, आइए बेटी देखें समझें। ये ड्रॉपलेट्स कुछ ज्यादा हाइट पे हैं और ये नीचे दो ड्रॉपलेट्स में बना रहा हूं, ये कुछ कम हाइट पे हैं। दीज आर द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, ये आपका ग्राउंड का लेवल है, और आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर बेटा फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के लिए रुके हुए हैं और आप देखना चाहते हैं कि रेनबो कैसे बनता है। और रेन के बाद आपके ये बैक साइड आपका इधर है, इस तरफ सन जो है दैट इज प्रेजेंट इन द क्लियर स्काई नाउ। ठीक है जी, सन काफी ज्यादा दूर है इसलिए पॉइंट साइज का बनाया है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होने की वजह से सन से जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं ये यहाँ पे फॉल करेंगी, इधर से जो आ रही हैं ये यहाँ पे फॉल करेंगी,
जो इस तरफ से आ रही हैं इस तरीके से फॉल करेंगी और ये इन वाटर ड्रॉपलेट्स से रेज ऑफ लाइट फॉल कर रही हैं। जब ये रे एयर से पानी के अंदर जाएगा, रेयर टू द डेंसर, इसकी रिफ्रैक्शन होगी। नॉर्मल मैं नहीं बना रहा यहाँ पे, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा। एक इसका यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया इस पानी की ड्रॉप के अंदर, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो गया और इसके बाद रिफ्रैक्शन एक और हो जाएगा। डिस्पर्शन तो चलो आपका जो है प्रिज्म कर ही रहा था, तो ये लाइट वन रिफ्रैक्शन, वन टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एंड अदर रिफ्रैक्शन, मतलब दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, डिस्पर्शन हो रहा है कंटिन्यूसली। उसके बाद ये रे ऑब्जर्वर की आईज में आकर फॉल कर गई है। यहां से रिफ्रैक्शन, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड दिस रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग डायरेक्टली इनटू द ऑब्जर्वर्स आई विटे, तो ये रे यहां पे चली जाएगी, राइट? हाँ जी बोलिए, आप खुश हो रहे हैं आप? ये नहीं गिरेगा, नहीं ये नहीं गिरता, लाइट ही है वो, ये पत्थर नहीं है उसके ऊपर पड़ रहा। यस बेटे, नहीं 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 कुछ नहीं करना आपने, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ कि यहाँ पे एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, दो बार रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन हो रहा है कंटिन्यूसली। स्फेरिकल, स्फेरिकल छोटे छोटे ड्रॉप्स, ये होते ही स्फेरिकल है बेटा, ये ट्रेंडो की फॉर्म में नहीं होते, साइज छोटा होता है इसलिए ये आपको जो है टाइनी प्रिज्म्स की तरह बिहेव कर जाते हैं। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 41 डिग्री से लेकर 43 डिग्री तक एंगल वेरी कर जाता है, ये 41 ये 43, 10 डिग्री में आपका रेनबो स्काई में बन जाएगा और कलर्स का पैटर्न होगा वी आई बी जी वाई ओ, आपको तो आता है, ये काफी ज्यादा ब्राइट कलर का, डार्क कलर का आपको ये रेनबो मिल जाता है, इसको बेटे प्राइमरी रेनबो कह देते हैं, प्राइमरी रेनबो। एक सेकेंडरी भी होता है, अगर आप हैं जी बताता हूं एक मिनट, अगर आप बिल्कुल ज्यादा हाइट पे चले जाएं, हिल स्टेशंस पे चले जाएं जहां पे थोड़ा सा स्काई और भी ज्यादा क्लियर है, तो वहां पे बेटा जो हायर रीचेस में ड्रॉपलेट्स हैं इनका यहाँ पे बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये एक और आपको पैटर्न दिखाई देता है, ये थोड़ा सा बेटे फेंट होता है और इसमें ये आपके कलर्स का पैटर्न ऐसे रहता है, राइट बेटा? ये हाँ जी बेटी, इसमें ये देखिए मैंने थोड़ा सा फेंट बनाया, भी फेंट ही है मैंने, ये थोड़ा सा फेंट होता है, ये हमेशा विजिबल नहीं होता है, ये कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस पे जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह नहीं हो या कंडीशंस परफेक्टली सेटिस्फाई हो जाएं तो वहां पे दिखाई देता है, इट इज नॉट ऑलवेज विजिबल, रेनी सीजन में कभी कभी जरूर दिखता है, हिली एरियाज में फ्रीक्वेंटली दिख जाता है, इसमें पैटर्न कलर्स का उल्टा हो जाता है और एंगल आपके जो है ये थोड़ा सा 51 से लेकर 52 डिग्री तक वेरी कर जाता है और इन दिस वे बेटा ये आपका सेकेंडरी रेनबो बन जाता है। वैसे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए रेनबो होता क्या है। रेनबो इज द बेटे डिस्प्ले ऑफ द 7 डिफरेंट कलर्स इन द स्काई आफ्टर द रेनफॉल इफ टाइनी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर दे रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर दीज एक्ट एज वेरी स्मॉल साइज प्रिज्म्स बेटा,
और प्रिज्म में जब लाइट फॉल करती है आप जानते हैं सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, तो सेवन कलर्स आपको दिख गए ये, और यहाँ पे लाइट बिकॉज इधर से आ रही थी, और आप इसको बेटे आफ्टर वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड टू रिफ्रेक्शन और डिस्पर्शन तो चलो हुआ ही हुआ है, ये सारा करने के बाद आप इसको व्यू कर पा रहे हैं एंड दिस इज हाउ योर रेनबो इज फॉर्म्ड। कंडीशंस की अगर बात करें, स्मॉल ड्रॉपलेट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द एयर और द एटमोस्फियर, स्काई में सन भी होना चाहिए और आपकी बैक सन की तरफ होनी चाहिए। और कई बार ऐसे होता है कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बारिश होती है, हम डूबते ही रह जाते हैं, लेकिन हीट की वजह से वो पानी फर्दर इवेपोरेट ही कर जाता है, वी विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू सी और ऑब्जर्व बिकॉज पानी की ड्रॉपलेट्स बची नहीं है। तो स्पेशली रेनी सीजन में जब टेम्परेचर थोड़ा सा टेम्परेरीली ड्रॉप कर जाता है आपको ये देखने को मिल सकता है फिनोमिना। सो दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू योर रेनबो बेटा, राइट बेटा। अब आइए कुछ, हाँ जी बेटे, हाँ जी, हाँ हाँ बैठिए बेटी। इसमें मेजर रोल आपका एटमोस्फियर प्ले करता है। जब आप अर्थ की सरफेस पे हैं तो एटमोस्फियर प्रेजेंट होने की वजह से आपको बेटे आपके सन का कलर वो कलर दिखाई नहीं देगा जो आप मून की सरफेस से देखना चाहते हैं, बिकॉज मून का एटमोस्फियर नहीं है बेटा। सो बेसिकली डियर चिल्ड्रन ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा, इमेजिन कर लीजिए ये सन है, सन से ये लाइट या एनर्जी निकल रही है। आपको फ्यू डेज बैक आई थिंक हमने बात की भी थी कि जो एनर्जी है ई इट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच वी आर यूजिंग, और लैम्डा इट इज इक्वल टू एच इनटू सी अपॉन ई। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.625 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है। सी इट इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसकी इतनी वैल्यू है। अगर सन से एनर्जेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं, एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम पड़ जाएगी, अकॉर्डिंगली आपको सन का कलर अलग दिखाई देगा। अगर सन से एनर्जी रेडिएटेड किसी टाइम पे कम हो गई है तो डिनोमिनेटर में है, वेवलेंथ बढ़ जाएगा, आपको कलर और दिखाई देगा। सन एक हमेशा एक जैसा नहीं होता, सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, कभी वहां पे ज्यादा सोलर फ्लेयर हो जाता है, कई बार सोलर फ्लेयर कम होता है या नहीं होता, या वैसे ही रिएक्शंस ही आपको जो है वहां पे कैरी हो रहे हैं। आई जस्ट मीन टू से दैट कि सन से निकलने वाली एनर्जी, सुनिएगा ध्यान से, जैसे आपका बल्ब और ट्यूबलाइट जल रहा है ये तो कॉन्स्टेंट आउटपुट दे रहा है, सन ऐसा नहीं है, कई बार ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, कई बार कम, कई बार ब्राइट, कई बार कम। ब्राइट और कम का मतलब ये नहीं कि मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, मैं एनर्जी की टर्म्स में बात कर रहा हूँ। कई बार वो ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा, कई बार कम, कई बार ज्यादा, कई बार कम। तो अगर एनर्जी वेरी करेगी तो आपका वेवलेंथ वेरी करेगा, अगर वेवलेंथ वेरी करेगा तो आप अच्छे से जानते हैं वी आई बी जी वाई ओ एंड आर, इसका वेवलेंथ सबसे कम, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो जैसे जैसे वेवलेंथ वेरी करेगा आपको हल्का हल्का कलर्स में वेरिएशन नोटिस होता रहेगा, और आप इसको हब्बल टेलीस्कोप से जो डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स ली गई हैं आपके इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, आप वहां पे देख के उनको थोड़ा सा समझ के उनको अपने रेफरेंस के लिए यूज भी कर सकते हैं। प्लीज उठ जाइए, हब्बल टेलीस्कोप, चले पुत्र आगे। हाँ जी बच्चों, चलें चलें, गुड। सो आइए थोड़ी बात करके देखें फर्दर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर पे दिए गए हैं,
मैं दो चार लिखता हूं, आप साथ साथ करने की कोशिश करिएगा। यस, आपको उन्होंने पांच डायग्राम्स दी हुई हैं और लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर शोन इन द फिगर। आपको ये डायग्राम्स दी गई हैं, आप फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को पूछ पाएंगे, कनकेव मिरर है, पोल है, ये एफ है, ये सी है, इंसिडेंट रे आ रहा है और जा कहां से रहा है उन्होंने नहीं दिखाया। सेकेंडली, सेकेंड डायग्राम जो दिया गया है कनकेव मिरर है और आपको ये पोल है, ये फोकस है, ये सी है, इंसिडेंट रे आ रहा है और इस तरीके से पास करके चला गया। आपको बताना है कौन सा डायग्राम ठीक है। कनकेव मिरर अगेन आपको दिया गया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे पैरेलल आ रहा है और सी में से वापस जा रहा है। देन थर्ड डायग्राम में, ये पहले वाला छोड़ दीजिएगा, उन्होंने ऐसे बनाया होगा आई थिंक। थर्ड वाले में आपको पोल है, फोकस है, सी है, रे ऐसे गया, ऐसे ही वापस आ गया और इसको मैं ऐसे कर देता हूं। कौन सा डायग्राम करेक्ट है? सर ये ऑप्शन, ये की बिकॉज व्हेन द रे ऑफ लाइट इज अप्रोचिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज एक्सपेक्टेड टू पास थ्रू द फोकस। वेरी राइट। तो इसके बाद आइए और देखें, डिस्कस करें। जरा सुनिएगा ध्यान से। Which of the following mirror is used by the dentist to examine a small cavity? ऑप्शन तो बोलने दो। पहला है कन्वेक्स मिरर, सेकेंड इज प्लेन मिरर, थर्ड इज कनकेव मिरर, फोर्थ इज कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव। कनकेव, वेरी राइट। विच मिरर कैन प्रोड्यूस वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? सुनिएगा एक मिनट, मुझे बोलने दो बेटा। वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड वर्ड उन्होंने कहा है, डिमिनिश नहीं कहा। और ऑप्शंस आपको दी गई हैं कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन, बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स बेटा। नो, इट इज नॉट कन्वेक्स, इट इज कनकेव। कनकेव में लास्ट वाला केस, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के मिडल में होता है, देन इट विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। तीसरी बात है, इफ द इमेज फॉर्म इज इन, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, देन द मिरर, रिपीट कर रहा हूं, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड in front of the mirror, then the image distance will be positive or negative on the, depending upon the size of the object, neither positive nor negative, positive या negative। क्यों? Sign conventions हमें कहती हैं कि it should be negative। Very right। कोई भी मिरर हो बेटा, चाहे प्लेन हो, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही रहेगा हमारा। साइन कन्वेंशन हमें ये कहती हैं। बैठिए। फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज नेगेटिव, पॉजिटिव, डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द इमेज, नेगेटिव। एंड और सुनिएगा,
A point object is placed at a distance of 20 centimeter from a convex mirror of focal length 20 centimeter. Convex mirror है, उसकी focal length 20 centimeter है, object भी 20 centimeter पे रखा हुआ है, मतलब focal length के बराबर की distance पे है. Image will form at infinity, at the focus, at the pole and beyond the mirror. बेटा कहाँ पे बनेगा? It is convex mirror है, convex है भाई, behind the mirror होना चाहिए. मैं बना के दिखा देता हूं, ये आपका convex mirror है, ये convex mirror आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना डिस्टेंस आपका 20 है, 20 के बराबर ही ऑब्जेक्ट रखा यहां पे. आप बनाएंगे रे डायग्राम? नहीं बनाएंगे? किसी की आवाज आ रही थी, नहीं बनाएंगे कि मुझे वैसे ही लगा, वैसे ही लगा ए बी, ये रे पैरेलल आ रहा है, इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस दिस वे, ऐसे चला जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन. देन ये सी की तरफ जा रहा है, ये ऐसे चला जाएगा, यहां पे दोनों रेज जो है दे अपीयर टू मीट, इट विल बी ए डैश बी डैश. कैसा बना? वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इन साइज एंड ऑन द अदर साइड है या बिहाइंड है, दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. चलिए आगे, फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हूज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर इज व्हाट. रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी मिरर का 20 सेंटीमीटर है. यस दिस गर्ल, किसी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितनी होगी? क्यों वो क्यों? अच्छा आपने बताया है, ठीक है. इट इज आर बाई टू. और लिसन, बिफोर वी लीव दिस क्वेश्चन, आप ये मिरर कौन सा होगा? कंकेव, कन्वेक्स, प्लेन, क्या क्या? कंकेव कैसे हो गया, कन्वेक्स कैसे हो गया, प्लेन कैसे हो गया? गुड, स्टैंड अप, बोलिए. तो मिरर कौन सा है? वेरी नाइस, बिकॉज फोकल लेंथ पॉजिटिव है, दैट इज व्हाई मिरर इज कन्वेक्स की कनकेव, कनकेव की कन्वेक्स, राइट. इधर किसी ने कनकेव बोला था, आप भी बोल रहे हैं. अच्छा आगे है, एन ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है बच्चों, ये देखिएगा. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर. द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड पोल इज व्हाट. The distance between its pole and image. कितना? टू, हाँ जी, टू टाइम्स फोकल लेंथ या इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी.
बाकी फिर बेटे कल करते हैं। थैंक यू ऑल।